मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार का दिन हिंदू तिथि कार्तिक माह की प्रतिपदा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू हो जाती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया है। नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा, यानी कि पहले आप एडवांस टिकट बुकिंग 4 महीने पहले कर सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 2 महीने कर दिया है। हालांकि आपको बता दूं, एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं देश के एक और बड़ी खबर। बहराइच मामले में एनकाउंटर हुआ है राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और मोहम्मद तालिम एनकाउंटर में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। जब एनकाउंटर सपोर्ट में पुलिस कर्मी सरफराज को ला रहे थे तो वह कह रहा था, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। इस मामले में अब गोपाल मिश्रा के पिता ने कहा है कि हम पुलिस की कार्रवाई और योगी जी की कार्रवाई से संतुष्ट है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्भ दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया को शांति के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। भारत में पहली बार 80,000 साल पुराने धूमकेतु की एक तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि पहली बार कैमरे में कैद हो पाई है। खुली आंखों से देखने के लिए इसे 11 दिनों तक ट्रैक करना पड़ा। यह तस्वीर बाड़मेर के इंजीनियर भूषण गंभीर ने ली है। धूमकेतु की इस तस्वीर को क्लिक करने के लिए इन्होंने भाग्यम ऑयल फील्ड के एरिया को चुना क्योंकि यहां खुला आसमान और कई किलोमीटर तक सुनसान एरिया है। 16 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे भूषण गंभीर ने यह तस्वीर क्लिक की। यह धूमकेतु पृथ्वी से 70.69 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अपनी कक्षा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दूं, धूमकेतु को चोटी वाला तारा भी कहा जाता है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कल शाम को आपने देखा होगा चांद काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। आपको बता दूं, दुनिया भर में गुरुवार को सुपर मून दिखाई दिया। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य से 14% बड़ा दिखाई दिया और बड़ी बात यह, चांद हमेशा की तुलना 30% ज्यादा चमकीला भी दिखाई दिया। इसको सुपर मून कहा जाता है। दरअसल जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, इसी वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। बूंदी जिले में खाद की किल्लत किसानों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। पिछले 15 दिनों से किसानों को जिले में कहीं पर भी खाद नहीं मिल पा रही है और यही हाल लगभग सभी जिलों के किसानों का है, जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने टोकन सहकारी केंद्रों पर लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा खाद नहीं आने का हवाला देकर कहा जा रहा है कि ट्रेन की रेक जब आएगी तब ही खाद मिल पाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि सरकारी केंद्रों पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, लेकिन कुछ निजी जगहों पर 1 से 2 हजार रुपए ऊपर लेकर कालाबाजारी खाद के कट्टों पर की जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। राजस्थान में खाद की किल्लत के बीच भरतपुर में कार्रवाई की गई। इस दौरान डीएपी की बड़ी खेप जब्त की गई है। दुद्दू जिले से भी बड़ी खबर। फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज जिले के किसानों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान नेता रामपाल जाट ने बताया कि बीमा कंपनी ने 15 अक्टूबर तक वर्ष 2023 का खरीफ फसल के मुआवजे की राशि किसानों के खातों में डालने पर सहमति बनी थी, लेकिन राशि नहीं डाली गई। ऐसे में बीमा कंपनी के छलावे से किसानों में भारी आक्रोश है। किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया ने बताया कि लंबे समय से दुद्दू जिले के किसान फसल खराबे के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दीपावली से पहले फसल खराबे का मुआवजा नहीं दिया जाता तो किसान जिले भर में आंदोलन करेंगे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। एसीबी की स्पेशल यूनिट जयपुर की टीम ने गुरुवार को दौसा जिले के मानपुर थाने में एक हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि मानपुर थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने एक पारिवारिक झगड़े में दर्ज मामले के नाम हटाने की एवज में परिवादी सतीश कुमार शर्मा से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। 10,000 रुपए पहले 2 टुकड़ों में 11 व 16 अक्टूबर को दे दिए हैं। अब दूसरी बार हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर, पुष्कर अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है यहाँ सबसे बड़ा पशु मेला लगने वाला है। और बड़ी बात यह है, इस साल यह मेला 2 नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित तो होगा। रेगिस्तान की वजह से पुष्कर मेले में ऊंट का भी महत्व बढ़ जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। बड़ी बात यह है, विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला 2 नवंबर से शुरू होगा। एक और बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में घटत और बढ़त दोनों देखी गई। शुद्ध सोना 300 रुपए महंगा होकर 78,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 300 रुपए तेज होकर 73,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। लेकिन इसके विपरीत चांदी 100 रुपए कम होकर 93,600 रुपए प्रति किलो रही। आपको बता दूं, सोने और चांदी के भाव पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में खरीददारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। एक और बड़ी खबर देखिए, त्योहारी सीजन में एक और जहां बढ़ता खर्चा लोगों का बजट बिगाड़ के रख दिया है, तो वहीं अब इसमें महंगी सब्जियों ने तड़का लगा दिया है। सब्जियों के बढ़ते दाम लोगों की कमर तोड़ रहे हैं और त्योहारी सीजन में सब्जियों ने रसोई का गणित बिगाड़ दिया है। एक तो टमाटर के दाम चांद पर है, तो प्याज ने भी आंसू ला दिए हैं। और देखिए, न सिर्फ टमाटर बल्कि मिर्च, आलू, गोभी, अदरक, लहसुन, पालक समेत लगभग हर सब्जी के दाम आसमान पर चढ़े हुए हैं। 80 से 100 रुपए प्रति किलो के आसपास भाव पहुंच चुका है। और बड़ी बात यह है, मुनाफाखोरों ने मनमाने तरीके से सब्जियों की कीमतें बढ़ाई है। अच्छा, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, राजस्थान में तापमान के उतार चढ़ाव शुरू होने के साथ ही धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि दूसरी तरफ कई जिलों में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अरब सागर में मौजूद डिप्रेशन सिस्टम से आई नमी हवाओं के कारण आधे राजस्थान में हल्के फुल्के बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना ना के बराबर है। फिर भी कल जैसलमेर और बीकानेर के कुछ इलाकों में हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन किसानों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अब प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे शहरों में सर्दी बढ़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर, दीपावली की खरीदारी करने के लिए कई लोग आकर्षक डिस्काउंट ऑफर का इंतजार करते हैं, ताकि उनकी मनपसंद चीज उन्हें कम दाम पर मिल सके। लेकिन इस दौरान सातिर साइबर अपराधी भी घात लगाकर लोगों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं। त्योहारों के मौके पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खास तौर पर त्योहारों के मौके पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर वाले फर्जी लिंक लोगों के मोबाइल पर भेजे जाते हैं। अगर कोई बिना जांच पड़ताल के ऐसे लिंक पर क्लिक करता है, तो उसका बैंक खाता भी खाली हो सकता है। दरअसल त्योहारों के सीजन में सातिर बदमाश डिस्काउंट ऑफर के फर्जी लिंक से लोगों को फंसाते हैं। इसके अलावा कई लोग फाइल डाउनलोड करवा कर भी साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है। दरअसल होता क्या है, ये ठग किसी लोकप्रिय शॉपिंग वेबसाइट से मिलते जुलते नामों से एक साइबर ठग फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, और एक आम इंसान को लगता है जैसे ये तो वही वेबसाइट है जिससे हम रोज खरीदारी करते हैं। लेकिन ऐसे अनजाने लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप या मैसेज में इस प्रकार के डिस्काउंट वाले ऑफर वाला कोई लिंक आए, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही लिंक पर क्लिक करें। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम का घरेलू मैदान में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला। बेंगलुरु के मैदान में हो रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया का काफी बुरा हाल हुआ। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो काफी खराब फैसला साबित हुआ। बड़ी बात यह है, भारतीय टीम महज 46 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसकी वजह से टीम इंडिया के नाम टेस्ट क्रिकेट के शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गए हैं। यह भारत का घरेलू मैदान में सबसे छोटा टेस्ट स्कोर है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।